वी आर हेडिंग टुवर्ड द सर्वेद मंदिर। बनारस से काफ़ी हमने बनने वाला है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी लागत से बन रहा है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है, लेकिन अभी इसका कार्यक्रम जारी ही है। बहुत बढ़िया, इसके बाहर से पत्थर मंगाए जाते हैं, फिर इनको यहाँ पर बनाया जा रहा है। देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर कितना रिच है। इसका नाम है सर्वेद महामंदिर धाम मुरली, अभी भी इसका बन ही रहा है। मंदिर तो काफ़ी जबरदस्त, काफ़ी बड़ा है, अभी काम हो ही रहा है। इसका आर्किटेक्चर तो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा दिख भी रहा है, और जब बन जाएगा पूरे बेहतरीन तरीके से तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये काफ़ी दिन से बन रहा है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। सर्ववेद महामंदिर धाम मुंडली उमराहा वाराणसी, 85,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है ये मंदिर। ऊपर कमल जैसा बना हुआ है। ये भी देख सकते हैं कि हाथी वाथी भी बना हुआ है यहाँ पे। अभी भी कार्यक्रम इसका चल ही रहा है। कितने पैसे लगा, कितने खर्चा करके इसको बनाया गया, अभी ये बन चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, और अभी ये बनता ही जा रहा है। हाथी 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 बस चलो आगे देखते हैं। एंट्री कहाँ से है? अंदर जाना किधर? इधर इधर मंदिर में। उधर से नहीं जाना, अंदर जा सकते हो? अंदर नहीं जा सकते तो फिर देखेंगे क्या? हाँ। अरे पर हम तो एक वीडियो में देखे थे अंदर गया। और क्या, मैं भी देखा हूँ वहाँ पे, बाहर तो देखने आए नहीं है। मोदी जी तो उद्घाटन कर दिए थे अंतिम का, साले वो उसके लिए। अच्छा कोरोना आगे तो बंद हो गया होगा? नहीं भाई, आगे देखते हैं, आगे से निकल जाएंगे इधर राइट साइड में, शायद रास्ता हो। वैसे बढ़िया है, मतलब कि इसमें जो भी कारीगरी की गई है काफी अच्छे से किया गया है। थोड़ा ब्राउन वाला मार्बल, ब्राउन भी अयोध्या देख लो, हर जगह लगभग लगभग यही है, यही थीम पकड़ रहे हैं। हमको लगता है ना ये सब बाहर से पत्थर लाए जाते हैं, यहाँ पे बनाए जा रहे होंगे, अभी बना बनाए जा रहे हैं, सेट किए जा रहे हैं। गुलाबी पत्थर वाओ, सो कूल। और यहाँ पे मुझे लगता है ना कि गाय भैंस पालने के लिए यहाँ पे बनाया जाएगा, ताकि बढ़िया से दूध वगैरह भी यहाँ से उत्पादन हो सके। कितना बढ़िया है, रात में इसमें लाइटिंग जब हो जाएगी तो ये नेक्स्ट लेवल दिखेगा, कि मतलब कितना भव्य दिखता है ये। और यहाँ पे वाटर वो भी लगा है, फवारे भी लगेंगे, तो फवारे भी चलेंगे, मछलियाँ डाल देंगे तो और अच्छा लगेगा, है कि नहीं? ले जाएंगे भाई यहाँ तुमको क्या नहीं मतलब, और ये काम इतना दिन से चल रहा है, ये काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है? तेज है भाई ये काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है? मुझे तो मेन ये रीजन कोई बता दे, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? अभी अभी तो मैं मतलब कि अभी तो नहीं कहूँगे कि यहाँ पे आइए, क्योंकि अभी 2023 तक ये फाइनलाइज नहीं हो पाएगा। दिसंबर में 2023 में जाके ये होगा, फिर वहाँ पे तब वही मोदी जी उद्घाटन करेंगे, तब आप आ सकते हैं। अभी तो यहाँ पे बस बन ही रहा है, तो अंदर भी अलाउड नहीं है जाना, तो हम लोग बाहर से कुछ थोड़ा बहुत देख पाए हैं, ज़्यादा तो देख नहीं पाए हैं। लेकिन ये है कि एक बार जब बन जाएगा तो बनारस का सबसे बड़ा सबसे भव्य मंदिर दिखेगा। ये काफ़ी हेक्टेयर में फैला, 85,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है ये। सो आई वुड रिकमेंड कि एक बार ये जब बन जाए तो आप लोग आइएगा ज़रूर, लेकिन अभी 2023 के लास्ट तक तो मत आइएगा, यहाँ पे आने की उतनी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर लव योर सपोर्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय। बंद हो गया ना?